स्टार्ट स्वागो फ्रेंड्स के साथ अवेंगडू ये स्वाग लोग आज हम बना लगे हैं मग केक। यस, तो आज हम बनाने लगे हैं मग केक और हुरिया आपके साथ शेयर करने वाली है चॉकलेट मग केक की रेसिपी, वो भी एक मिनट में बनने वाला है माइक्रोवेव के अंदर। तो जल्दी से हम आपके साथ शेयर करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स ताकि बिल्कुल भी लेट नहीं हो और जल्दी जल्दी हुरिया खा सके, क्योंकि हुरिया के पेट में नाच रहे हैं चूहे भूख से और इसने मुझे तंग किया है, मम्मा मुझे मग केक बना के दो, मुझे बाहर से नहीं खाना, मुझे घर में बनाना है। और मेरे पास एक इंग्रेडिएंट था भी नहीं, बट फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है विदाउट उसके ही हम स्टार्ट करते हैं। तो चले लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे ले लिए हैं हमने इंग्रेडिएंट्स मग केक के लिए। मग हमारे पास कोई था नहीं बड़ा, तो मेरे पास ये सूप वाला मग है, मतलब बाउल सा है मग की तरह, तो मैंने ये ले लिया, हम इसी में बनाने वाले हैं। यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून चीनी के 1 रूम टेम्परेचर पे एग लिया है, 3 टेबलस्पून लिया है मैंने मैदा, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून रेगुलर मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर पे, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, इसके अलावा 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर, और कुछ जो है वो मेरे पास ये चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे ये लिए हैं मैंने। इसके अलावा अगर आपके पास वनीला एसेंस मौजूद है तो वो आप लाजमी डालिएगा, मेरे पास वो फिनिश हो चुका है और मैं दोबारा लेकर ही नहीं आई, तो इसीलिए अभी वो नहीं है, तो उसके बगैर ही बनाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले इसमें ऐड करने वाले हैं एग, ठीक है, इसको करते हैं हम मिक्स। यहाँ पर हुरिया कह रही है मैं मिक्स करूँगी मामा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी एग जो है वो हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून जो लिया है हमने वही मिक्स है। अभी क्या डालेंगे हम? चीनी। शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से चलो इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। हम इसमें क्या ऐड करेंगे हुरो? मिल्क। यस, 1 टेबलस्पून मिल्क, यस, मिक्स इट, हल्का सा मिक्स करना बेटा हल्का सा। यहाँ पर इस स्टेज में आप वनीला एसेंस ऐड करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास वनीला एसेंस नहीं है तो नेक्स्ट जो हमने ऐड करना है वो हमने ऐड करना है कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाह, और इसको हम करेंगे मिक्स। ये मिक्स कर लिया हमने, अब हम ये हटाओ बेटा इसको हटाओ आप ऐसे करके साइड में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, जो 3 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो दिखाओ फ्रेंड्स को, ये देखें अपनी इसमें हमने मैदा ऐड करके इसको मिक्स किया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चलो अभी फिर से हल्का सा मिक्स। ये देखें अभी इसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया और ये बैटर इस तरह से हो गया, और ये चोर चॉकलेट चिप खा रहा है। अभी चलो डालो इसके अंदर आप चॉकलेट चिप्स, सारी डाल दो। चलो शाबाश, तो उसको हल्का सा मिक्स करना है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। देखिए ये बैटर हो चुका है रेडी, अब मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी और 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो यहाँ पे 1 मिनट मैंने दिया था और ये चल रहा है, तो 1 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा मग केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, पूरा 1 मिनट दिया है मैंने, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया। और आपने क्या करना है, इसको माइक्रोवेव के बिल्कुल सेंटर में नहीं रखना, आपने एक साइड में करके रखना है, उससे क्या होता है ना हीट ज़्यादा पकड़ता है चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये कच्चा नहीं है, सी ये री टूथपिक, फोकस कर लो बच्चा, फोकस नहीं हो रहा, बट ये बिल्कुल क्लीन है, अगर ये यहाँ पे फोकस करे तो क्लीन है, ठीक है। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर पूरा टेस्ट करके बताती है। तो ये देखें जी हुरिया बाजी रेडी है बिल्कुल खा के चेक करके बताने के लिए। चलो हुरो साइड से तोड़ो तो सही ही, ये देखें ये अंदर से फूफ हॉट, वेरी हॉट है, ये
हाउ इज़ द टेस्ट? यम्मी। तो आप भी आराम से बच्चों को घर में बना के दे सकते हैं। 1 मिनट लगता है बिल्कुल भी। और ये देखें, ये बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। कोई शो मी स्पून। ये देखें जी, और ये इतना सॉफ्ट है। ये देखें, ये देखें, सी द टेक्सचर। हमारे पास जस्ट वनीला एसेंस नहीं था, वरना ये और भी ज़्यादा, उसकी वजह से एग की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसमें हल्की सी एग की स्मेल आ रही है, बट आप वो डालेंगे तो वो भी जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने करना है हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स फॉर मी फ्रेंड्स किड्स। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खा लो, हॉट।